Good morning, this is Pramod Jaiswal from English Chronicles. Today I'm going to teach you fixed preposition. So this is a question from the past papers of 2017, a little bit from 16 also. So I'm going to discuss so that you can get an idea of different sorts of prepositions. And those prepositions are fixed with those words. That's why you have to learn, and I'm giving you my sentences so that you have a better understanding. तो आइए चलते हैं फर्स्ट सेंटेंस को लेकर. एट दिस मोमेंट दैट टेरिबल डोर बर्स्ट नॉइजली ओपन एंड बैंग्ड फॉर द वॉल. अब देखते हैं चार सेक्शन है, तीन सेक्शन है किसमें. एट दिस मोमेंट ठीक है, टेरिबल डोर बर्स्ट नॉइजली ओपन एंड बैंग्ड ये भी ठीक है. फॉर द वॉल तो ये जो है बैंग के साथ, ये जो फॉर है यही गलत है. बैंग फॉर नहीं होता है, बैंग के साथ फॉर का कोई सेंस ही नहीं है. फॉर का माने के लिए होता है, बैंग के लिए द वॉल कोई सेंस नहीं होता है. तो इसमें सूटेबल जो प्रीपोजिशन है बैंग के साथ वो है अगेंस्ट. बैंग अगेंस्ट द वॉल, सो अगेंस्ट इज द प्रीपोजिशन विथ बैंग. अब ये सेकेंड वन, जैसे रिपोर्टेड अगेंस्ट हिम, क्राइम अगेंस्ट समवन. सो सेकेंड वन है ये, एवरी ईयर इन समर मेनी टूरिस्ट विजिट टू कुमारटोली इन नॉर्थ कोलकाता टू वॉच द आर्टिशंस. आर्टिशंस कहते हैं जो कलाकार होते हैं उनको आर्टिशंस कहते हैं. बेस्ट फॉलोअर्स प्रिपेयर द आइडल्स ऑफ गॉडेस दुर्गा. अब आइए देखते हैं किस किस सेक्शन में कोई त्रुटि है कि नहीं. एवरी ईयर इन समर मेनी, ये ठीक है. टूरिस्ट विजिट टू कुमारटोली इन नॉर्थ कैलकाटा टू वॉच आर्टिशंस, ये भी ठीक लग रहा है लेकिन थोड़ा है गलत. आते हैं हम वापस, प्रिपेयर द आइडल्स ऑफ गॉडेस दुर्गा, ये तो ठीक है. तो विजिट यहाँ प्रीपोजिशन यहाँ टू पर है, विजिट टू. अब इसको डिस्कस करने के लिए थोड़ा सा स्पेस मुझे चाहिए, तो इसको हम हटा दे रहे हैं ताकि तो जैसे reached, entered, he entered in the room, ये wrong है. Entered का मतलब होता है कि अंदर जाना. तो ऐसे ही ये है, कहाँ गया, visit. Visit का माने है he visited his friend. या हिज फ्रेंड्स हाउस, तो टू नहीं लगेगा. विजिटेड ट्रांजिटिव वर्ब है, इट टेक्स एन ऑब्जेक्ट लेकिन प्रीपोजिशन नहीं लेगा. विजिट के साथ प्रीपोजिशन नहीं लेगा, तो नो प्रीपोजिशन इज यूज्ड विद विजिट. क्लियर? तो ऐसे ऐसे बहुत सारे आएंगे जिसमें जैसे जैसे हम डिस्कशन करेंगे वैसे वैसे बताते जाएंगे. वेयर नो प्रीपोजिशन इज रिक्वायर्ड विद द वर्ड्स विद दोज वर्ब्स. अब आइए थर्ड वन, मिसेस एंड मिस्टर राव स्टे इन देयर होम. देखो अब यही फर्क है, ये एट और इन. इन का मतलब होता है जैसे ये होम है या रेस्टोरेंट है, इन द रेस्टोरेंट. तो इन का मतलब होता है अंदर. अगर हम बोलते हैं एट द रेस्टोरेंट, एट द रेस्टोरेंट, इसका मतलब है पास में, रेस्टोरेंट के बाहर. तो अगर होम है
तो इवनिंग में होम के अंदर नहीं रहेंगे, नाइट नहीं है, बाहर में लाउंज में रहेंगे, गार्डन में रह सकते हैं, पार्क यहाँ गार्डन में अपना बना हुआ है, बाउंड्री बहुत बड़ा है, तो इन इज इनकरेक्ट। इवनिंग आवर है, सोने नहीं अभी जा रहे हैं, तो इसमें क्या रहेगा, स्टे एट। ये एट और इनका जो चक्कर है ये यही डिफरेंस है। इनका मतलब अंदर, सराउंडेड बाई होता है, वो घिरे हुए हैं उस चीज़ से, उसके अंदर हैं, और एट का मतलब है उसके बाहर हैं, अंदर नहीं है, उसके आसपास हैं। तो दिस इज द डिफरेंस। अब नेक्स्ट वन आते हैं, द बेबी वॉज क्लिंगिंग विथ हर मदर। क्लिंगिंग का मतलब चिपके रहना, चिपके रहना, तो चिपके का अलग वर्ड भी है एडियर टू है? और कुछ वर्ड होता है जिसमें टू रहता है, एडियर टू, क्लिंगिंग टू। तो क्लिंगिंग मतलब होता है अटैच्ड टू। तो क्लिंगिंग विथ हेयर नहीं होता है, लेकिन यहां क्लिंगिंग, यहां पर टू नहीं होगा। द बेबी वॉज क्लिंगिंग टू हर मदर इन हर फियर। तो क्लिंगिंग के साथ ये विथ नहीं होगा, क्लिंगिंग टू हर मदर इन फियर, उसके साथ चिपकी हुई थी, विथ नहीं होगा। अब जैसे विथ और बाई का डेफिनेशन तो बाद में हम पढ़ाएंगे, विथ और बाई में डिफरेंस होता है, जैसे बाई और विथ, इसका डिफरेंस हम बाद में पढ़ाएंगे कभी। तो जिसमें विथ इंस्ट्रूमेंट के लिए यूज होता है और बाई एजेंट के लिए यूज होता है, तो इसको बाद में कभी पढ़ाएंगे। जैसे ही वॉज किल्ड विथ अ नाइफ बाई अ मैड पर्सन, ही वॉज किल्ड विथ अ नाइफ बाई अ मैड पर्सन। तो बाई जो है वो एजेंट हो गया, विथ हो गया इंस्ट्रूमेंट, तो यहां वो बात नहीं है। तो यहां क्या होगा, क्लिंगिंग टू हर मदर, मदर से चिपका हुआ था वो बेबी। भाई ये नेक्स्ट वन देखते हैं, द इनकम डिराइव्ड माने जो हम प्रोक्योर करते हैं, पाते हैं, कहीं से मिलता है, ऑफ द ओनरशिप ऑफ लैंड इज कॉमनली कॉल्ड रेंट। रेंट किसे कहते हैं, जो इनकम मकान मालिक पाता है। तो किससे पाता है, ओनरशिप से पाता है, ओनरशिप के चलते पाता है। हाँ, तो डिराइव्ड जो वर्ड है वो डिराइव्ड ऑफ नहीं होता है, डिराइव्ड फ्रॉम होता है, डिराइव्ड फ्रॉम। जैसे तो डिराइव्ड फ्रॉम यूज करते हैं, उससे हमने पाया, किससे पाया, ओनरशिप, चूंकि मैं मालिक हूं तो मैं अपने मालिकाना से मैं पाया। तो डिराइव्ड ऑफ नहीं होता है, डिराइव फ्रॉम होता है, फ्रॉम द ओनरशिप ऑफ लैंड, जमीन मेरा है तो मैं मालिकाना के चलते मैंने उसे पाया। गेटिंग इट? आइए नेक्स्ट वन करते हैं, धनंजय एंड सोनी वेयर स्लीपिंग इन देयर बेडरूम व्हेन अ थीफ एंटर्ड
When a thief entered, अभी हम बताए थे entered के साथ into नहीं लगता है. He entered in the room नहीं होता है. Entered का मतलब ही होता है अंदर जाना. तो into या in दोनों नहीं होता है. In भी नहीं होगा, into भी नहीं होगा, मतलब सिर्फ entered रहेगा. जैसे विजिट का बताएं, रीच्ड का बताएं, वैसे ही बहुत सारे वर्ब हैं. ये ट्रांजिटिव वर्ब है तो उसके बाद वो ऑब्जेक्ट नाउन रहेगा लेकिन प्रीपोजिशन नहीं लगेगा. ये ध्यान रखिएगा, ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन है ना. तो उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. सीनियर सिटीजन्स हैव इन रिसेंट ईयर्स हैव बिकम, तो हैव के साथ तो बिकम इज करेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है. विक्टिम्स इन अ नंबर ऑफ क्राइम्स, तो यहां इन जो है यही गलत है. कोई विक्टिम्स होता है किसी चीज के वजह से, विक्टिम ऑफ होता है. ही इज अ विक्टिम ऑफ डिक्टेटरशिप, ही इज अ विक्टिम ऑफ राउडिज्म, ही इज अ विक्टिम ऑफ, बहुत ज्यादा उस पर प्रेशर पड़ता है, टॉर्चर होता है. तो विक्टिम के साथ विक्टिम ऑफ होता है, विक्टिम ऑफ क्राइम. ही इज अ विक्टिम ऑफ क्राइम, इज अ विक्टिम ऑफ क्राइम. अब आइए नेक्स्ट. वन शुड ऑलवेज बी हैप्पी फ्रॉम, आप लोग हिंदी में इसको, बहुत लोग हिंदी में ट्रांसलेशन करते हैं. फ्रॉम माने से, वॉट एवर वन हैज, उससे हमें हैप्पीनेस मिलती है, है ना. लेकिन फ्रॉम बहुत जगह नहीं होता है. वन शुड ऑलवेज बी हैप्पी से फ्रॉम माने भी होता है लेकिन विथ माने भी से होता है. हैप्पी विथ, यू आर हैप्पी विथ वॉट यू हैव, विथ वॉट यू हैव. तो यहां विथ होगा, यहां फ्रॉम नहीं होगा. गेटिंग इट. अब आइए द सिस्टम. द सिस्टम विच कीप्स ए रिकॉर्ड फॉर फॉर्मल एंड प्रोफेशनल डिटेल्स. अब यहां भी देखिए, सिस्टम विच कीप्स, ठीक है. डिटेल्स ऑफ ऑल कम्युनिटी मेंबर्स वॉज हैक्ड, ये भी ठीक है. तो रिकॉर्ड फॉर फॉर्मल, मतलब रिकॉर्ड फॉर्मल डिटेल्स के लिए. फॉर मतलब क्या हो गया, लिए. तो लिए तो नहीं है, उसके लिए तो डिटेल्स नहीं लिया जा रहा है. तो क्या होगा, डिटेल्स ऑफ, उसका डिटेल्स का रिकॉर्ड रखा गया है. तो डिटेल्स, हाँ, फॉर मतलब क्या हुआ, फॉर, अरे डिटेल्स बोलते हैं, रिकॉर्ड, रिकॉर्ड फॉर डिटेल्स तो सेंसिबल नहीं है, डिटेल्स के लिए तो नहीं है. रिकॉर्ड ऑफ डिटेल्स, तो यहां फॉर इज द मिस्टेक. द सिस्टम विच कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ डिटेल्स, प्रोफेशनल एंड फॉर्मल डिटेल्स, ये सही होगा. गेटिंग इट. अब ये लास्ट वन बचा है, द इन्फेक्शन इज कॉमनली फाउंड इन पोक ईटर्स एंड ऑल्सो अ रिजल्ट ऑन अनहाइजेनिक प्रैक्टिसेस. रिजल्ट ऑन कैसे हो सकता है, रिजल्ट ऑन अनहाइजेनिक,
unhygienic practices. ऑन कैसे होगा? रिजल्ट तो ऑन नहीं ना हो सकता, उस पर रिजल्ट नहीं ना हो रहा है, रिजल्ट ऑफ होगा ना. प्रैक्टिसेस का रिजल्ट कैसा हुआ? तो रिजल्ट का ऑन नहीं होगा, ये ऑफ होगा. आई होप टुडे हमने बहुत सारे नए नए प्रीपोजिशंस डिस्कस किए हैं. उम्मीद है पसंद आया होगा, समझ भी गए होंगे. थोड़ा वीडियो को वॉच करिएगा बार बार तो और डिटेल में समझ में आ जाएगा. और अगर आपको पसंद आता है तो लाइक का बटन दबाइए एंड प्लीज़ शेयर अमंग योर फ्रेंड्स. और हमें प्रोत्साहित करने के लिए कि और हम अच्छे से एक्सप्लेन करें एंड मोर एक्सरसाइजेस टू बी डन एंड पोस्टेड ऑन माय चैनल, ताकि आप उससे बेनिफिटेड होइए. प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड वॉच द वीडियो एंड ट्राई टू बी बेनिफिटेड. Thank you. Have a nice day.